हाँ या ना? दस नियम आप लोग पालन कर पाते हो, संभाल पाते हो? तो आप लोग सोचिए वो बेचारे लोग 313 नियम कैसे संभालते होंगे। और इसीलिए प्रभु ने रद्द तो नहीं किया, लेकिन हमें एक नियम दिया है। कौन सा नियम दिया है? मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 37। पता है संत अगस्तीन क्या कहते हैं? संत अगस्तीन कहते हैं तुम ईश्वर को प्रेम करो और सब कुछ करो। संत अगस्तीन कहते हैं तुम ईश्वर को प्रेम करो और सब कुछ करो। सब कुछ करने का मतलब ये है कि यदि तुम ईश्वर को सच्चे दिल से प्यार करोगे ना, तो तुम कुछ भी गलत नहीं कर पाओगे, उसके अनुसार ही तुम चलोगे। और इसलिए वो कहता है ईश्वर से पहले प्रेम करो और सब कुछ करो, क्योंकि वो तुमको कुछ गलत करने देगा ही नहीं। और इसीलिए तो इन 10 नियमों के बदले तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनके साथ साथ प्रभु यीशु ने हमें सारांश में एक नियम दिया है, और वो है मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 37। प्रभु क्या कहते हैं? अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से प्यार करो, और इससे बड़ी आज्ञा अपने और इसके समान आज्ञा अपने पड़ोसी से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए ये नियम कैसे बदल गए, 313 से 10 नियम, 10 नियम से एक नियम। और प्रभु यीशु हमें इसी तरह सुंदर बना रहे हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहला नियम याद रखो, किस प्रकार हमने एक एक नियम तोड़ा है उसके विषय में मैं बताता हूँ। छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा हमारे पैरिश में एक लड़का है, वो बॉडी बिल्डर है, तो मस्त बॉडी है उसकी, तो करीब 21-22 साल का लड़का होगा। तो वो अचानक छोड़ दिया, जब वो 20 साल का हो गया था तो उसने चर्च आना, रविवार को आना छोड़ दिया। तो मैंने पूछा मेरे भाई क्यों चर्च में छोड़ देते, क्यों चर्च नहीं आ रहे हो? तो बोलता है फादर जी रविवार को ही हमारा जिम खुला रहता है फादर, तो मैं चर्च नहीं आ पाता फादर। तो देखिए ना, हम कितने अनजान होने होकर, जान मतलब अनजाने होकर, किस तरह हम अपने आप को अपने खुद के लिए एक देवता चुन लेते हैं। हम खुद के लिए इस संसार में एक देवता चुन लेते हैं। मेरे दोस्त ने मेरे पली में अपना देवता चुन लिया, और वो कौन था? उसका मसल। जाने अनजाने में हम सबों ने ये पहला नियम तोड़ दिया है, क्योंकि हमने अपने लिए खुद के लिए अपना एक एक देवता चुन लिया है। एक और बात बता रहा हूँ, हमारे पैरिश में एक और लड़का है, उसके परिवार में दो कार ऑलरेडी है, ठीक है, दो कार है। वो लड़का कभी गिरजा नहीं आता, कभी भी गिरजा नहीं आता, पता है कब गिर जाता है? जब उसको कार को आशीष दिलवानी होती है। तो एक दिन मुझे फोन करता है, बोलता जी फादर जी कल मुझे ना मुंबई जाना है अपने नई कार पे बैठ के, तो मैं 10 बजे रात को आओ आशीष दिलवाने के लिए। मैंने बोला इसी कार में बैठकर अगर तुम गिरजा आ जाते तो कितनी सुंदर बात होती, जब भी तुमको अपने कार को आशीष दिलवानी होती है तो तुम रात के 11 बजे 12 बजे भी आ जाते हो। अरे तुम भाई इसी कार में बैठ के गिरजा भी आ जाऊंगा, जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करेगा प्रभु। हालेलुया, अनजाने में हमने कार को अपना ईश्वर बना दिया। मेरे दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, हमें पहला नियम तोड़ने के लिए किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं, किसी जादू टोने के पास में जाने वाले जाकर भी हमें पहला नियम तोड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने घर बैठे अपने आप के लिए खुद का पर्सनल गॉड को, पर्सनल ईश्वर को चुन लिया है। यहाँ पर ऐसा कोई है जो अपने पैर में काला धागा बांधता है? मुझे पता नहीं, लेकिन बॉम्बे में बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे कैथलिक लोग। बताइए कोई मानता है क्या? हाँ या ना? जोर से बोलिए हाँ या ना, मानते हैं ना। अब देखिए ना, अनजाने में काले धागे में ज्यादा विश्वास है, बपतिस्मा में विश्वास नहीं, परिक्रमा में विश्वास नहीं। बच्चा जैसा होता है वैसे काला काजल से पूरा भर देते, मेरे बच्चे को कोई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नजर नहीं रखना चाहिए, तो किस बात में विश्वास नहीं, काले रंग में बहुत विश्वास है। अब देखिए अनजाने में काले रंग को मैंने अपना ईश्वर मान
ईश्वर सच्चा है या काला ईश्वर सच्चा है, काली बिल्ली सच बोलता हूँ मैं, सच बोलता हूँ। हम लोगों को इस पहले हुक्म को तोड़ने के लिए ना मंदिर जाने की जरूरत नहीं, पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं, जादू को हमें भाग लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि घर बैठे हमने पहला नियम को तोड़ डाला है। हालेलुया। इसलिए सच्ची मिसी सुंदर दिन है, सुंदर मौका है। अगर कोई भी किसी मायने में ताबीज या काला धागा कहीं भी पाना होगा आप निकाल फेंको, क्योंकि हमारा ईश्वर काले रंग से भी महान है। हमारा ईश्वर वो है जो काला रंग भी बनाता है, जो सफेद रंग भी बनाता है। तो मैंने बोला ये क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं भी आदिवासी हूँ, मैं आदिवासियों को अच्छे से समझता हूँ। हम लोग गिरजा आएंगे, नतमस्तक होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे समय में जब तकलीफ होती है ना, हम लोग बिगड़ जाते हैं, मतलब रास्ता खो देते हैं और कहीं ऐसी जगह में चले जाते हैं जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। क्रिस्टी होने के बावजूद भी हम वहाँ चले जाते हैं, मैंने अपने नजरों से देखा है। अच्छे से अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं मेरे दोस्तों। पहला हुक्म तो टूट गया दोस्तों, अगर कोई है आज वापसी ना करना, ढूंढा नहीं, क्योंकि इसी तरह हमने पहले नियम का उल्लंघन किया है। हालेलुया। हालेलुया।